हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर प्लस S88 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th NCERT मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 ब्रज गुणन विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन इस प्रकार से गिवन है, 3x/2 -5y/3 और इक्वल टू -2, तो -2। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है x/3 +y/2 -13/6, इस प्रकार से गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व, लिख चुके जो भी फर्स्ट दिया हुआ है वो लिख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 का LCM करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 6। तो 6 लिख चुके, अब क्या करना है जरा समझिएगा। पहले तो नीचे का नंबरों का LCM कर लिए, अब उसके बाद करना है जो नीचे नंबर है ना दोस्तों, इससे इस जो LCM आया है इसमें डिवाइड करना पड़ता है। यानी 2 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 2 का टेबल पढ़ के देखिए, 2 1 जै 2, 2 2 जै 4, 2 3 जै 6, 3 आया, कितना आया दोस्तों 3। तो जितना करके आया कितना आया 3, उससे मल्टीप्लाई ऊपर से कर लीजिए, तो 3 3 जै कितना हो गया 9, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस। उसके बाद यही प्रोसेस इसमें भी करना है, 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा दोस्तों, 2 बार में, और 2 जो करके आया कितना आया 2, 2 का मल्टीप्लाई करें 5 से तो 2 5 जै कितना होगा 10, वाई तो वाई इक्वल टू -2 तो -2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब चलिए दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा, और एक साइड का मल्टीप्लाई हो जाए तो जस्ट इक्वल टू, और 6 2 जै हो गया 12, माइनस तो माइनस रख लेंगे दोस्तों। अभी मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, ये इक्वेशन हमें कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, ब्रज गुणन विधि, और ब्रज गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, राइट को 0 करना होता है, जबकि राइट अभी क्या है 12। तो क्या करना होगा, 9x-10y, अरे माइनस है ना दोस्तों, तो इसे लेफ्ट में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस, 12 का 12 और इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं बच गया तो 0 लिख देंगे, राइट 0 करना था 0 हो गया, इससे इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, लिखना है अगेन, अब सेकंड जो कुछ यहां पे गिवन है उसे भी उतार लेंगे, x/3 y/2 और 13/6, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए दोस्तों लिख लेंगे, अब क्या करना है 3 और 2 का LCM करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 6 लिख चुके, अब क्या करना है 3 से 6 कितने टाइम में आएगा दोस्तों, 2 टाइम में, और 2 में x का मल्टीप्लाई तो 2x, प्लस तो प्लस, 2 से तो 3, 3 में y से तो 3y इक्वल टू 13/6 एजीटी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीचे का नंबर दोनों का सेम है, तो 6 से 6 कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्तों 2x+3y, 2x+3y इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 13। तो इस प्रकार से इसे नहीं छोड़ना है क्योंकि राइट हमें 0 करना है, कौन सा मेथड बना रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट 0 होना चाहिए। चलिए तो क्या करेंगे 2x+3y, अरे प्लस है दोस्तों यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो प्लस है, रिवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा -13 और इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से कर लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अब इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, फर्स्ट से और सेकेंड से। चलिए फर्स्ट और सेकेंड मुझे मिल गया जनरल फॉर्म में, पहले जो था फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो इसे जनरल फॉर्म में कर लिए, अब क्या करना है जरा समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a1 b1 c1, अब a1 कहाँ होगा, तो a1 कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का a, फर्स्ट इक्वेशन का b, फर्स्ट इक्वेशन का c। तो जरा समझिएगा फर्स्ट इक्वेशन में a बी सी, इसी को बोला जाएगा a1 b1 c1। तो a1 का वैल्यू हो गया दोस्तों 9, b1 का वैल्यू हो गया -10, साइन के साथ दोस्तों, साइन छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे c1 का वैल्यू कितना हो गया 12, इस प्रकार से लिख लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन को देख करके बताएंगे, यहाँ पे a2 b2 c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 हो गया, b2 का वैल्यू कितना हो गया 3, और c2 का वैल्यू कितना हो गया -13, तो -13 लिख दिए। चलिए साइन के साथ लिखना था, लिख चुके, अब क्या करना है दोस्तों जरा समझिएगा, फार्मूला आपको याद नहीं है, तब क्या करना चाहिए आपको, 3 क्रॉस बनाना है, 1 2
तीन तीन क्रॉस बना लिए। अब जरा समझना है कि हमें चलाना पेन है कहाँ से, बी वन लिखना है पहले, अपने मर्जी से ए वन या सी वन नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू फिर बी वन बी टू। यानी कहने का मकसद है दोस्तों कि बी वन बी टू से चलेंगे और बी वन बी टू पे लास्ट करेंगे। चलिए हो गया। अब इसे x फाइंड करेंगे, इसे x लिखेंगे, इसे y लिखेंगे और इसे 1 लिखेंगे। चलिए x के लिए है, ये y के लिए है और ये 1 के लिए है। अब चलिए इससे फार्मूला बना लेते हैं, कैसे बनेगा दोस्तों ज़रा समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे x है तो x अपोन, उसके बाद y है तो y अपोन, उसके बाद 1 है तो 1 अपोन। चलिए अपोन में कैसे लिखाएगा समझेंगे। यहाँ से कोई भी इंसान आएगा तो यहाँ से चलेगा, तो इसे मल्टीप्लाई ऐसे करना है, बी वन क्रॉस करना है बी वन सी टू। तो देखिए लिखा है बी वन सी टू, फिर उसके बाद फार्मूले के अनुसार माइनस, उसके बाद बी टू सी वन। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, हम आप लिख सकते थे सी वन बी टू भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ उठाए हैं बी वन से यानी बी वाले से, तो यहाँ पर भी बी से उठाना है यानी बी टू सी वन लिख चुके। उसके बाद बात करेंगे, अब इसका तो हो गया दोस्तों x के लिए, y के लिए तो y लिख चुके हैं। अब यहाँ देखिए y के लिए ये झक लेना है सी वन ए टू, सी वन ए टू लिख चुके। उसके बाद फार्मूले के अनुसार माइनस सी टू ए वन, सी टू ए वन यानी c से उठाएं तो इसमें भी c से उठाना है। चलिए उसके बाद वन के लिए, अब इसे भी ढक लेना है, वन के लिए ए वन बी टू, ए वन बी टू एंड ए टू बी वन, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए दोस्तों फार्मूला बनाना आसान हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर देना है। चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x अपोन, उसके बाद y अपोन। अब चलिए x अपोन करेंगे, तो x अपोन क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है b1 c2, b1 c2। तो चलिए b1 c2 क्या होगा, b1 c2 है तो b1 का वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या आया था, b1 का वैल्यू था माइनस टेन और c2 का वैल्यू था माइनस थर्टीन। तो माइनस टेन और इनके बिटवीन रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सी टू का वैल्यू कितना, माइनस थर्टीन। माइनस तो माइनस यहाँ पे देख सकते हैं बी टू, तो बी टू का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे थ्री, तो थ्री लिख चुके। उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सी वन, सी वन का वैल्यू देख सकते हैं ट्वेल्व है तो ट्वेल्व लिख चुके यानी थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व। उसके बाद इक्वल टू वाई, तो वाई अपोन तो अपोन यहाँ पे देख सकते हैं वाई के लिए सी वन ए टू, सी वन कितना है दोस्तों तो देख सकते हैं ट्वेल्व और ए टू कितना है टू यानी ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू लिख चुके। माइनस यहाँ से देख सकते हैं माइनस तो माइनस। उसके बाद देख सकते हैं सी टू ए वन, तो सी टू कितना है माइनस थर्टीन और उसके बाद मल्टीप्लाई ए वन नाइन यानी कि इस प्रकार से ए माइनस फार्मूले का अरे माइनस जो है आप देख सकते हैं C2 का वैल्यू है माइनस थर्टीन और मल्टीप्लाई A1, A1 कितना है नाइन तो नाइन लिख चुके। चलिए अब इतना ही से काफ़ी नहीं है दोस्तों, अब वन के लिए लिखना होगा, तो इक्वल टू वन अपोन यहाँ पे देख सकते हैं A1 B2, A1 का वैल्यू कितना है नाइन और B2 का वैल्यू थ्री, नाइन मल्टीप्लाई थ्री। उसके बाद माइनस तो माइनस देख सकते हैं यहाँ पे क्या है A2 B1, A2 का वैल्यू कितना हो गया टू और B1 माइनस टेन यानी टू मल्टीप्लाई माइनस टेन। इस प्रकार से सभी वैल्यू अरेंज कर लिए। अब क्या करना है दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक्स तो एक्स अपोन यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस यानी सेम साइन मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस। तेरह का टेबल दस बार पढ़ेंगे एक सौ तीस और माइनस तो माइनस, बारह का टेबल तीन बार पढ़ेंगे छत्तीस यानी बड़े नंबर का टेबल पढ़िए आसानी से जल्दी हो जाएगा थर्टी सिक्स। इक्वल टू तो इक्वल टू वाई तो वाई अपोन यहाँ पे देख सकते हैं ट्वेल्व टू जाए यानी बारह का टेबल दो बार पढ़ेंगे चौबीस और माइनस अरे माइनस दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तेरह का टेबल नौ बार पढ़ेंगे तो एक सौ सत्रह इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद बात करेंगे इक्वल टू तो इक्वल टू वन तो वन अपोन नाइन थ्री जाए कितना होगा ट्वेंटी सेवन और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। दस का टेबल दो बार पढ़ेंगे बीस इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों ज़रा देखिएगा, एक्स तो एक्स अपोन तो अपोन ये देखिए एक सौ तीस में से छत्तीस घटाना है तो बचेगा चौरानवे यानी नाइन्टी फोर और साइन किसका पड़ेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस में है यानी एक सौ तीस तो प्लस तो प्लस। इक्वल टू तो इक्वल टू वाई तो वाई अब देखिए ए प्लस है कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों यहाँ पे
प्लस है और ए भी प्लस है, दोनों को जोड़ देना है। तो 141 और इक्वल टू 1 अपॉन ए कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 47। अब इससे इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, इसे सेकंड लेट करेंगे और इसे थर्ड लेट करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, ज़रा देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, इसे सेकंड लेट करेंगे और इसे थर्ड लेट करेंगे। लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, कभी भी आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x और y फिर से समीकरण बन जाएंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड से चलना है। तो चलिए फर्स्ट की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं x अपॉन 94 और इक्वल टू थर्ड की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 47। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 47 में x से तो 47x और इक्वल टू 94 में 1 से तो 94। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 94 और जिसके साथ ए बी सी डी लगा है उसका नंबर नीचे, 47 का टेबल दो बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 94। तो यानी कि कहा जाए तो x का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करना है दोस्तों, लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एक बार फर्स्ट एंड थर्ड से चलना है और एक बार सेकेंड एंड थर्ड से चलना है। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, y अपॉन 141 यहाँ पर लिख चुके और एक लिखे तो जस्ट इक्वल टू, उसके बाद लिखना है थर्ड इक्वेशन 1 अपॉन 47 लिख चुके। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 47 में y से 47y इक्वल टू, इसको 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 141। y इक्वल टू 141 और जिसके साथ ए बी सी डी लगा है उसका नंबर नीचे, 47 का टेबल तीन बार पढ़ेंगे 141 आ जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो कह सकते हैं यहाँ पे सारणी में दर्शा देंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 3। यही फाइनली आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट नए नए वीडियो, इसी तरह के नए नए वीडियो, क्लास वाइज वीडियो आपको मिलता रहे और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।